बोलना क्या है? क्या आप भी उन कस्टमर्स में से एक हैं जिनको कभी सेरेमिक कोटिंग का एक्सपीरियंस हुआ या गाड़ी पे कराई और उनको ये फील हुआ कि यार ये गाड़ी में मज़ा नहीं आया? या फिर आप एक डार्क कलर की कार के ओनर हैं और जिन्होंने सेरेमिक कोटिंग ऑप्ट करी और लेटर ऑन ये रियलाइज किया कि शायद ये वैल्यू फॉर मनी नहीं थी, या जो पैसा लगाया वो वर्थ नहीं आया। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हमारे साथ आज हुआ जब हमारे एक 1.5 साल पुराने कस्टमर ने हमें अप्रोच किया अपनी गाड़ी को लेके। कस्टमर ने हमसे 1.5 साल पहले सेरेमिक कोटिंग कराई थी और जब वो हमारे पास वापस आए तो ये बोलने लगे कि उन्हें शायद वो शाइन डे वन की तरह ओरिजिनल नहीं रही। गाड़ी की अगर हम बात करें तो कस्टमर गलत भी नहीं थे कहीं पे। इस गाड़ी को सेरेमिक कोटिंग हुए 1.5 साल हो गए थे और गाड़ी में एक्चुअली बहुत कॉस्मेटिक और ओवरऑल डैमेजेस थे। अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे एक मेजर इम्पैक्ट आया है जिसके चक्कर में उनका बोनेट अंदर की तरफ बेंड हुआ है और ये एक मेजर स्क्रैच एरिया है। अगर पेंट कंडीशन की हम बात करें तो पेंट कंडीशन काफ़ी ब्लर हो गया है और ये वाजिब भी है कस्टमर का दुखी होना। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो बैजिंग में और ये डोर एजेस में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है जो खुलने से दरवाजे के आता है। इस वीडियो में ये भी आंसर करना चाह रहे हैं कि जो सेरेमिक है आपको किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट से बचाती है, किन किन चीज़ों से आप डैमेजेस को रोक सकते हैं और किन चीज़ में वो काम नहीं करती, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको अगर सेरेमिक जाना है तो किन केसेस में जाना है। गाड़ी हमने कोट करी थी तो हमने इसके अलॉयज भी कवर किए थे। अगर अलॉयज की कंडीशन की बात करें तो ये पूरी कंटेमिनेशन हो गई है और इसके अंदर ब्लैक पैचेस पड़ गए हैं। अब हम ये भी एक कवर करेंगे पार्ट कि क्या हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। आइए अपना प्रोसेस शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो हमने कस्टमर को पहले वादे किए थे हम वो पूरे कर पाएंगे या नहीं और कस्टमर को एक रिस्टोर करके शाइन दे पाएंगे कि नहीं। सेरेमिक एक SiO2 की फॉर्मुलेटेड लेयर होती है जो आपकी गाड़ी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इस गाड़ी पे जो आपने स्क्रैचेस नोटिस किए वो एक्चुअली सेरेमिक के ऊपर है, ना कि बॉडी पेंट के ऊपर। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या उस सेरेमिक के ऊपर से हम कितना रिस्टोरेशन करके इन स्क्रैचेस को निकाल सकते हैं। इस गाड़ी को कंप्लीट करने में हमें पूरे 2 दिन लगे। हमें काफ़ी मार्जिनल चेंजेस लगे जब गाड़ी हमने लास्ट में तैयार करी और हमने देखी, हम भी काफ़ी खुश थे गाड़ी को देख के। किसी कारणवश कस्टमर लेने नहीं आ पाए गाड़ी की डिलीवरी तो हमने डिसाइड किया कि उनके घर पे देके आएंगे। जब गाड़ी हमने उनके घर पे दी तो कस्टमर देखने के बाद काफ़ी इंप्रेस हुए और उन्हें लगा कि एक्चुअली में जो उन्होंने पैसा आज से 1.5 साल पहले लगाया था वो वैल्यू फॉर मनी था। इस गाड़ी को देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी दूसरी नई गाड़ी हमें देंगे और उस पर ग्रिफिन कोटिंग के लिए जाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये देख के हमें भी बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है और हमें लगता है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए। इस इंस्टेंस से हम काफ़ी प्रभावित हुए और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी डेडिकेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाएं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।